हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में हमेशा की तरह कुछ नया सिखाऊंगा आपको। चलिए एक्सेल को ओपन करते हैं। ये एक्सेल सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है और यहाँ से ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ये ब्लैंक पेज भी हमने ले लिया। अब यहाँ पर कुछ डेटा है, वो डेटा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है वो डेटा, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, फिर यहाँ टीचर्स हैं जो वो रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं फिल्टर लगा देना चाहूंगा। तो फिल्टर लगाने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और Alt D F F प्रेस करना है, तो ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब हमें करना क्या है, देखिए अब हमारा काम बहुत आसान है। यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से सीधा यहाँ पे जाएंगे। ये शॉर्ट बाई कलर दिख रहा है, यहाँ पर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि शॉर्टिंग तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शॉर्टिंग दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर के ए टू जेड करना है या जेड टू ए करना है, जो भी करना है यहाँ से जाके शॉर्ट कर सकते थे। लेकिन शॉर्टिंग यहाँ से हमें करना नहीं है। क्या करना है, तब कैसे शॉर्टिंग करनी है। हम शॉर्टिंग ऐसा चाहते हैं कि पहले शॉर्ट होकर आए फिजिक्स, देन आए मैथ्स, या फिर पहले मैथ्स आए देन आए फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर कंप्यूटर। यानी सब्जेक्ट के आधार पर शॉर्ट करना है और ऐसा शॉर्टिंग हो कि ये सब्जेक्ट पहले आए बाकी के बाद में आए। तो ऐसे शॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, यही समस्या है। ठीक है, यहाँ से जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ से अगर मैं जा रहा हूँ तो ये नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे गए और यहाँ से ए टू जेड, जेड टू ए, कुछ भी करेंगे आप तो शॉर्टिंग उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। पहले मैथ्स आया, पहले फिजिक्स आया, हम पहले मैथ्स चाहते हैं, फिर फिजिक्स चाहते हैं, फिर केमिस्ट्री चाहते हैं, फिर बायोलॉजी चाहते हैं, तो इस हिसाब से शॉर्टिंग नहीं हो पा रही है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो फिल्टर लगाया यहाँ पे चले जाइए और इसे शॉर्ट बाई कलर करिए और फिर कस्टम शॉर्ट पे आ जाइए। आ गए कस्टम शॉर्ट पे, आपको क्या करना है, यहाँ से शॉर्ट वाले पे जा करके हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कस्टम लिस्ट आएगा, तो कस्टम लिस्ट पे चले चलते हैं। ठीक है, अब कस्टम लिस्ट पे आने के बाद क्या करना है, हमको टाइप करना होगा। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं पहले आए मैथ्स, तो जैसे लिखा गया है मैथ्स वैसे लिख दीजिए, फिर एंटर करिए। फिर दूसरे पे आए फिजिक्स, तो पी एच वाई एस आई सी एस फिजिक्स, जैसे लिखा गया है वैसे टाइप कर दीजिए। उसके बाद तीसरा जो होगा सब्जेक्ट वो होगा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री यहाँ हमें टाइप करना होगा, तो सी एच ई एम आई एस टी आर वाई केमिस्ट्री टाइप किया, एंटर कर दीजिए। केमिस्ट्री टाइप करने के बाद एंटर करिएगा, जैसे एंटर करिएगा फिर अगला सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि अब अगला सब्जेक्ट क्या आने वाला है, बायोलॉजी, तो बी आई ओ एल ओ जी वाई बायोलॉजी कर दिया। और लास्ट में आएगा क्या, कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर कर देते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि सारी चीज़ें ये आ गई हैं। अब इसको ऐड करवा देना, ऐड करवाने के बाद अब आपको क्या करना है, ओके करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, और अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये ओके करना है। तो ओके करेंगे तो देखिए पहले मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर कंप्यूटर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।